सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एथलीट आकाश। माय नेम इज आकाश एंड आई एम एथलीट। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा 20 ऐसे हाई प्रोटीन और लोवेस्ट बजट प्रोटीन फूड्स के बारे में जो कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल वीडियो होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं उन प्रोटीन फूड्स के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा लोवेस्ट बजट में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो फर्स्ट सोयाबीन दोस्तों, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा लोवेस्ट बजट में आपको मिल जाता है और बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन वाला फूड है दोस्तों ये। अगर आप इसको पर डे अगर 100 ग्राम कंज्यूम करते हैं तो आपको 36 ग्राम प्रोटीन मिलेगा दोस्तों। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा हाई प्रोटीन फूड है ये। तो इसको आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें अगर आपको इसके बारे में नहीं पता। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एक बार में 100 ग्राम सोयाबीन कंज्यूम मत करें, इससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोशिश करें कि 30 से 40 ग्राम ही एक बार में आप सोयाबीन कंज्यूम कर सकें और साथ में आप फ्रूट्स ले सकें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। सेकंड दोस्तों है राजमा। राजमा दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन फूड है दोस्तों। इसके अंदर आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा अगर आप इसको 100 ग्राम कंज्यूम करते हैं। तो दोस्तों जो भी मैं वीडियो बता रहा हूँ, जितनी भी मैं आपको प्रोटीन काउंट बता रहा हूँ, ये पर सर्विंग ऑफ 100 ग्राम्स है। तो मैं अभी आपको वीडियो के अंदर 18 और ऐसे फूड्स के बारे में बताऊँगा जो कि हाई प्रोटीन और लो बजट फूड है। थर्ड छोले, जिसके अंदर आपको दोस्तों 19 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन फूड है दोस्तों, और ये आपको लो कॉस्ट में भी मिल जाएगा, मार्केट में आप कहीं से भी इसको बाय कर सकते हैं। फोर्थ बादाम, जिसके अंदर आपको 21 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा दोस्तों अगर आप इसको 100 ग्राम कंज्यूम करते हैं। तो आप कोशिश करें कि बादाम को आप भिंगो के लें वरना आपके पेट में ये जलन कर सकती है, गर्मी कर सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। फिफ्थ पीनट बटर, जिसके अंदर आपको दोस्तों 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा अगर आप इसको 100 ग्राम कंज्यूम करते हैं तो, और ये आपको मार्केट में मिल जाएगा 200 से 300 की रेंज में जो कि एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। तो इसको आप जल्दी बाय करें और अपनी डाइट में ऐड करें। सिक्स्थ पनीर, जिसके अंदर आपको दोस्तों 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और एक ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको 100 ग्राम इसको बाय कर सकते हैं। ये 40 से 50 रुपए में आपको 100 ग्राम्स मिल जाएगा, तो पर डे आप इसको ले सकते हैं। सेवन्थ ओट्स, जिसके अंदर आपको दोस्तों 13 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं 100 ग्राम। और दोस्तों ओट्स एक बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन फूड माना जाता है जिसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सिर्फ प्रोटीन ही नहीं होता। तो प्लीज़ इसको अपनी डाइट में ऐड करें, यह आपको मार्केट में 150 से 200 की रेंज में मिल जाएगा। एट्स दोस्तों स्प्राउट्स, जिसके अंदर आपको 9 से 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है दोस्तों। इसका मतलब होता है ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके, जिस चने वगैरह सारी चीज़ों को मिला के स्प्राउट्स बनते हैं, जिसके अंदर आपको दोस्तों 9 से 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा अगर आप इसको 100 ग्राम अगर कंज्यूम करते हैं तो। और ये दोस्तों बहुत अच्छे माने जाते हैं आपकी बॉडी के लिए, नेचुरल होते हैं क्योंकि ये। नाइन्थ दोस्तों चिकन, जिसके अंदर आपको दोस्तों 31 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा अगर आप इसको 100 ग्राम कंज्यूम करते हो तो, और ये एक बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट में आपको मिल जाता है दोस्तों। ये आपको अप्रोक्सीमेटली आपको ये पड़ जाएगा 70 से 80 रुपए का मार्केट में, आप कहीं से भी जहाँ पे भी चिकन मिलते हैं वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। टेंथ फिश, जिसके अंदर आपको दोस्तों 22 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा अगर आप इसको 100 ग्राम कंज्यूम करते हैं तो, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो जहाँ फ़िश मिलती है वहाँ से जाके बाय करें। और फ़िश दोस्तों एक प्योर प्रोटीन माना जाता है जिसके अंदर सिर्फ प्रोटीन ही होता है, प्योर प्रोटीन, नो कार्ब्स, नो एनीथिंग, सिर्फ प्रोटीन। 11th ग्रीन योगर्ट, जो कि दोस्तों आपको मार्केट में मिल जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट फूड नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉर्मल फूड है जो कि आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। और इसके अंदर दोस्तों आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा अगर आप इसको 100 ग्राम कंज्यूम करते हैं तो प्लीज़ इसको अपनी डाइट में ऐड करें दोस्तों, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। 12th मटर, जिसके अंदर आपको दोस्तों 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा अगर आप इसको 100 ग्राम कंज्यूम करते हैं तो, मटर वो वाली जो वाइट सी होती है जो कि जिसकी सब्जी बनती है हमारे घरों में। 13 दोस्तों टोफू एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है दोस्तों, जो कि दूध से बना हुआ प्रोडक्ट है जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगा और ये अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा आपको, तो प्लीज़ इसको बाय करें। 14th दोस्तों दूध, जिसके अंदर आपको 3 से 4 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा अगर आप इसको 100 ग्राम कंज्यूम करते हैं तो लेकिन दोस्तों दूध के अंदर बहुत सारे और इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो प्लीज़ आप दूध को अपनी डाइट में भी ऐड कर सकते हैं। और दूध इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, अफोर्डेबल है, सबके घर पर दूध आता ही होगा। 15th ब्रोकली, जिसके अंदर आपको 3 से 4 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा अगर आप इसको 100 ग्राम कंज्यूम करते हैं तो दोस्तों, और ब्रोकली एक बहुत ही अच्छा मतलब फूड है दोस्तों, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रोकली को ज़रूर लें। ब्रोकली के अंदर प्रोटीन भले ही कम हो बट ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है दोस्तों, आपकी बॉडी को बहुत अच्छा ये फिट रखेगा, मैं 100% श्योर होकर कह रहा हूँ, आपकी बॉडी बहुत अच्छा रिएक्ट करेगी इसको लेने के बाद, बहुत अच्छा आपको फील होगा।
16 दोस्तों पालक, जिसके अंदर आपको 3 से 4 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा अगर आप इसको 100 ग्राम सिर्फ कंज्यूम करते हैं। और सोचो दोस्तों कि पालक कितना ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस है, कितना लो कॉस्ट में आपको पालक मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो दोस्तों पालक को भी आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं, यह आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बहुत बेस्ट है। 17th दही, जिसके अंदर आपको 3 से 4 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा अगर आप इसको 100 ग्राम कंज्यूम करते हैं तो। और दही दोस्तों आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। तो प्लीज़ दही को आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। 18th दोस्तों दाल, जो कि आपके घर में जो दालें बनती है वो अगर आपको उनमें मिक्स दाल बनाए, बहुत सारी दालों को मिक्स करके अगर उन दालों को घर में बनाया जाए तो दोस्तों उसके अंदर आपको 9 से 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा दोस्तों। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है जो कि आप ले सकते हैं और साथ साथ आपके घर वाले भी इसको लेके फिट रह सकते हैं। तो प्लीज़ इसको अपनी डाइट में ऐड करें। 19वां दोस्तों ब्लैक चने, जिसके अंदर आपको दोस्तों 25 से 26 ग्राम प्रोटीन मिलता है अगर आप इसको 100 ग्राम कंज्यूम करते हैं तो। और दोस्तों चना एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको फूड मिल जाता है। तो प्लीज़ आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। लास्ट दोस्तों वे प्रोटीन पाउडर, जिसके अंदर आपको 80 ग्राम प्रोटीन मिलता है अगर आप इसको 100 ग्राम कंज्यूम करते हैं तो। बट ये दोस्तों थोड़ा ज़्यादा रेट में मिल जाएगा आपको, 1400 से 1500 की रेंज में मिल जाएगा। अगर आपको इससे भी लो कॉस्ट में लेना है तो इस वीडियो में मैं आपको लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके चेक करें और वहाँ से आप बाय करें, आपको लो कॉस्ट में मिल जाएगा। तो ये थे दोस्तों 20 ऐसे हाई प्रोटीन फूड्स जो कि आपको लो कॉस्ट में मिल जाएंगे, अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इन फूड्स को अपने डाइट में ऐड करें और अपनी बॉडी को फिट रखें। तो ऐसी वीडियो के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा। ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए डेली बेसिस पर बनाता रहूँगा।